morning students so today we will do worksheet 8 of unit 4 okay so what is worksheet 8 the so what is worksheet 8 is a word problem theek hai mere beta isme hum word problem karenge theek hai to pehli word problem kya hai hamare paas in a book there are 117 pages how many pages are there in 21 such books mera beta अब पहले तो हमें ये क्लियर करना होता है कि ये सब प्लस का है माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड है ठीक है एग्जाम्पल के लिए ले, ले लेते हैं मैं आपको जस्ट सिंपल सी बात कहती हूँ कि अगर मेरे पास आ, मेरे पास है सपोज एक चॉकलेट है ठीक है और चॉकलेट आती है टेन रुपीज़ एक चॉकलेट मेरे पास टेन रुपीज़ की है तो मुझे बताओ फाइव चॉकलेट्स कितने की है आप बोलोगे फिफ्टी क्या किया आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना तो सेम इसको ल, आ, कैसे आइडेंटिफाई करते मेरे बेटा अगर एक चीज की वैल्यू दी गई हो और ज्यादा की फाइंड आउट करनी हो तो हमेशा ही क्या होता है मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे देखिए इन अ बुक एक बुक की बात की गई है है ना और हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन ट्वेंटी वन बुक्स क्या मतलब हुआ एक बुक की वैल्यू दी गई है और ट्वेंटी की निकालनी है एक की दी है ज्यादा की निकालनी है

सभी में वन 117, हंड्रेड 117. तो आपने बताना है टोटल पेजेस कितने हुए मेरे पास सिंपल सी बात है एक बुक की दी गई है ज्यादा की निकालनी है, है राइट अब बात आती है स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट सीधी सी बात ऐसे भी बन सकती है इन अ बुक देयर आर इसको हाइड कर लीजिए इन देयर आर पेजेस इक्वल टू वन हंड्रेड सेवनटीन हाउ मैनी की जगह देयर फोर फिर आगे पेजेस आर देयर इन बुक्स कितने बुक्स इन ट्वेंटी सॉरी इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई कर एक ये स्टेटमेंट बन गई दूसरी हमने अगर इसको और अच्छे से बनाना मेरा बेटा तो हमारे को पता है कि पेजेस को हम काउंट कर सकते हैं पेजेस को हम काउंट कर सकते हैं और जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम नंबर ऑफ लिखते हैं क्या लिखते हैं नंबर ऑफ तो स्टेटमेंट बन गई नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक एक बुक में कितने पेजेस है? है ना नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक इक्वल टू वन हंड्रेड सेवनटीन राइट दूसरा हाउ मेनी की जगह देयर फोर देयर फोर नंबर ऑफ पेजेस इन ट्वेंटी वन बुक्स तो ट्वेंटी मल्टीप्लाई ट्वेंटी मल्टीप्लाई कर लेंगे किसकी टर्न आई टू की क्रॉस लगा दिया फर्स्ट प्लेस पे टू सेवन जोन का लग गया फोर वन आ गया कैरी टू वन झा टू प्लस वन थ्री टू वन जो टू अब इनको ऐड कर लेंगे हम लोग सेवन फोर प्लस वन फाइव थ्री प्लस वन फोर और टू का टू तो टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन मेरे पास क्या हो गए तो तो नेक्स्ट समय हमारे पास फाइंड कॉस्ट ऑफ नाइनटीन चेयर इफ ईच चेयर ईच का मतलब होता है मेरा पुत्र एक चेयर वन चेयर की बात हो रही है, है ना तो इफर अब वही बात आ गई

ठीक है अगर स्टेटमेंट अगर आपका जब भी रुपीज की बात आती है तो स्टेटमेंट आपकी बनती है कॉस्ट कॉस्ट ऑफ़ ऑफ़ से बनती है है जब भी रुपीज की बात आती है. तो बन गए, chair. एक chair की कितनी बन गई टू नाइनटी मल्टीप्लाई बाई नाइनटीन राइट अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे नाइन एटीन प्लस टू एट कितना होता है ट्वेंटी सिक्स राइट फिनिश अब आई टर्न किसकी सेकेंड डिजिट की इसको क्रॉस कर दिया वन जीरो जीरो वन नाइन जन वन टू ज टू ये यूज हो गया तो उसको हम कट कर देंगे ठीक है अब इनको तो एड जीरोक्सम तो हमारे पास अ नेकलेस कंटेन्स वन हंड्रेड एट बीड्स अब ए का मतलब वन एक नेकलेस की बात हो रही है एक नेकलेस में कितने बीड्स है ठीक है नेकलेस गले का हार रख लो है ना उसमें जैसे मोती पिरोए हैं, तो कितने? बीट्स होगा. आ गया, मतलब का एक की वैल्यू दी गई और ज्यादा की निकालनी वन नेकलेस की दी गई है थर्टी टू फाइंड आउट करने में तो मतलब एक की दी है ज्यादा की निकालनी ऑलवेज मल्टीप्लाई सेकंड हिंट आपकी सच तो सच को मैंने अंडरलाइन करके मल्टीप्लाई कर, कर दिया अब स्टेटमेंट कैसे बनेगी सिंपल

मल्टीप्लाई कैरी करेक्ट प्लेस आया थ्री थ्री का क्रॉस लगा दिया यहाँ पे थ्री एड अब ये वन यूज हो चुका है तो उसको कट कर दीजिए थ्री एड ट्वेंटी फोर फोर टू कैरी थ्री जीरो जीरो प्लस टू टू थ्री वन सिक्स फोर प्लस वन फाइव टू प्लस टू फोर थ्री का थ्री तो थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स बीड्स इतने बीड्स हैं हमारे पास 32 necklaces में. एक नेकलेस में मैंने काउंट किए तो मेरे पास वन हंड्रेड एट बीड्स निकल गए और जब मैंने थर्टी टू में काउंट किए थर्टी टू नेकलेसेज दिए थे सबके काउंट किए तो मेरे पास थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स बीड्स हो गए सिंपल सी बात है मेरा बेटा एक की वैल्यू दी के ज्यादा के निकालने ऑलवेज मल्टीप्लाई या दूसरा हिंट आपके पास सच भी सच आता तो मतलब आप मल्टीप्लाई करते हैं राइट वन मोर एक क्वेश्चन और है देयर आर थर्टी टू बैलून्स इन वन पैकेट एक पैकेट की बात कर रहे हैं एक पैकेट में कितने बैलून्सू हाउ मैनी बैलून आर देयर इन ट्वेंटी फोर सच पैकेट ट्वेंटी फोर पैकेट में कितने होंगे पर बात एक और आ गई सच आ तो सच so, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई का समय का समय है मल्टीप्लाई का ठीक है बट लेकिन अगर सम सच नहीं दिया गया हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे एक की दी गई है वैल्यू ट्वेंटी फोर की फाइंड आउट करनी है

तो अगर समटाइम अगर आपको और अच्छी स्टेटमेंट बनानी है तो आपको पता है बैलून्स को काउंट कर लेंगे कर सकते ना काउंट तो हम उसको नंबर ऑफ से जो चीज को हम काउंट कर लेते तो हम नंबर ऑफ से स्टार्ट करते हैं राइट तो स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी शुरू नंबर ऑफ बैलून्स इन वन पैकेट एक पैकेट में कितने बैलून्स हैं थर्टी टू क्लियर तो देर फोर हाउ मैनिकोर नंबर ऑफ बैलून्स इन ट्वेंटी फोर पैकेट थर्टी टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फोर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे फोर का टेबल टू तक भी और थ्री तक भी फोर टू जा एट और फोर थ्री गया टर्न किसके है टू के पहले क्रॉस आ गई टू टू जा फोर टू थ्री इनको ऐड कर लेंगे हमारे पास क्लियर ठीक है अब आता है हमारे पास रात इन हॉल एक हॉल में देयर आर थर्टी फाइव चेयर रोज ऑफ चेयर एक हॉल में कितनी रोज है मेरे बेटा थर्टी फाइव है ईच ईच का मतलब है वन एक रो में कितनी चेयर है फिफ्टीन चेयर अब हाउ मेनी चेयर इन द हॉल अब मेरे बेटा आप बोलोगे मैम सच नहीं आया तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते ना सच तो मैंने सिंपल से ही दिया था फाइंड आउट करने के लिए कैसे पता चलता है बट जब सच नहीं होता तो हम कैसे फाइंड आउट करोगे सिंपल सी बात है एक ईच मतलब वन एक रो में कितनी चेयर है फिफ्टीन तो कितनी निकालनी है थर्टी फाइव रोज एक की दी गई है ज्यादा की फाइंड आउट करनी है ऑलवेज मल्टीप्लाई

ट्वेंटी फाइव आगे वाला टू कैरी होगा गया फाइव आ गया टू कैरी फाइव फाइव प्लस टू सेवन यूज हो गया तो कट कर देंगे दोनों को एड फाइव सेवन प्लस ट्वेल्व वन कैरी फोर प्लस वन फाइव तो फाइव हंड्रेड ट्वेंटी चेयर तो मेरा बेटा थर्टी फाइव रोज में कितनी चेयर्स हो जाएंगी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइन तो ये थे आपके वर्ड प्रॉब्लम मेरा बेटा और इसको आपने प्रैक्टिस करना है करने की ठीक है ओके बाय बाय टेक केयर